हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन। आप देख रहे हैं सुमन टेक्नो। दोस्तों, रेडमी कुछ दिन पहले उसका नोट सीरीज इंडिया में लॉन्च कर दिया था, लेकिन गाइस रेडमी और एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। रेडमी नोट सीरीज का रेडमी नोट 8 प्रो का एक न्यू वेरिएंट, रेडमी नोट 8 प्रो 730G। लाइक रियलमी XT 730G सेम दोस्तों रेडमी नोट 8 प्रो 730G जो कि लीक्स एंड रूमर्स निकल के बाहर आया है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Redmi Note 8 Pro 730G का सारे स्पेसिफिकेशन, किस प्राइस में इंडिया में आएगा और कब तक आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना। इस वीडियो की लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का, उम्मीद है आप लोग पूरे कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। Redmi Note 8 Pro आपको जैसा देखने को मिलता है, सेम दोस्तों Redmi Note 8 Pro 730G भी सेम देखने को मिल जाएगा। बैक साइड की तरफ ग्लास बैक, डुअल टोन कलर और जो कैमरा पोजीशन है वो भी सेम मिलेगा। हाँ, जो फिंगरप्रिंट है वो थोड़ा अलग मिलेगा। Redmi Note 8 Pro में बैक साइड की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, लेकिन गाइस Redmi Note 8 Pro 730G में आपको फ्रंट साइड की तरफ यानी कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा, 6.53 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो फिंगरप्रिंट सेंसर होगा वो इन डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिल जाएगा। नीचे जो चेन है, साइड में जो बेजल्स है वो भी काफी छोटा छोटा मिलेगा। बात करते हैं कैमरास के बारे में। दोस्तों, कैमरा में कुछ भी चेंजेस नहीं करेगा। बैक साइड की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जो प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का 1.8 एपर्चर के साथ आएगा, जो सेकेंडरी सेंसर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, जो थर्ड सेंसर 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और जो फोर्थ सेंसर को डेप्थ एनेबल करने के लिए यूज किया जाएगा। सेल्फी में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। तो कैमरे के मामले में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, मेन यही चेंजेस होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट, जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट है, 8 नैनोमीटर में बेस्ड है, यानी कि काफी पावर एफिशिएंट भी होगा। इसका जो जीपीयू है एड्रेनो 618 जीपीयू, गेमिंग जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो काफी अच्छा मिलेगा। अभी जो Redmi Note 8 Pro मिलता है मार्केट में, काफी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस है। मैं इसका गेमिंग रिव्यू भी किया हूँ, अल्ट्रा HDR करके खेल पाता हूँ, जो कि काफी अच्छी बात है। अभी 730G वर्जन आने के बाद देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अल्ट्रा HD करके खेल पाऊंगा या नहीं। बैटरीज के बारे में बात करा जाए, 4500 mAh की सेम बैटरी मिलेगा, 18 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिल जाएगा और दोस्तों टाइप सी भी मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि दो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड आप एक साथ यूज कर पाओगे। बात करते हैं स्टोरेज एंड प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे 6GB 64GB बेस वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, जो कि इंडिया में 16,000 रुपीज के आसपास मिलेगा। और भी दूसरा वेरिएंट मिलेगा, लेकिन वो अभी भी लीक होके बाहर नहीं आया है, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। जो सारे लीक्स एंड रूमर्स आया था वो सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ऐसे भी दोस्तों ये मैं पहले से ही मेरे वेबसाइट में डाला था, अगर वो ब्लॉग या पोस्ट अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके जरूर देखना। वहां पे मैं स्टेप बाय स्टेप लिखा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो जाके एक बार जरूर चेक कर लेना। ऐसे भी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और आप कमेंट में बताना क्या आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में। तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।